नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कल का मुकाबला जो रहा वो बेहद ही रोमांचक रहा। जी हाँ, देखने को ये मिला कि कल एक बार फिर से लखनऊ की टीम यानी केएल राहुल की टीम ने बेहद ही तूफानी तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया है। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे केएल राहुल का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है इस मुकाबले को जीतने के बाद और केएल राहुल ने कैसे सभी खिलाड़ियों की तारीफ की है। तो जी हाँ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। आपको बता दें, कल का जो मुकाबला रहा यकीनन वो बेहद ही शानदार मुकाबला रहा और ऐसा लग नहीं रहा था कि केएल राहुल की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि केएल राहुल की टीम ने इस मुकाबले में बेहद ही खास परफॉर्मेंस दिखाई और इस वजह से लीग की सबसे बेहतरीन टीम दिल्ली कैपिटल को भी इस बार लखनऊ की टीम ने हरा दिया है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह का मुकाबला रहा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की टीम कल पहले बल्लेबाजी करने आई क्योंकि लखनऊ ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला लिया था और यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। जहां पृथ्वी शॉ ने कल बेहद ही शानदार दिल्ली की तरफ से पारी खेली। पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 34 ही गेंदों पर 61 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली। अपनी पारी में पृथ्वी शॉ ने 9 चौकों के साथ साथ 2 छक्के भी जड़े। जबकि कल डेविड वार्नर को मौका मिला था, लेकिन डेविड वार्नर कुछ भी ज्यादा खास नहीं कर सके, सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं रोमन पॉल भी सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए, पृथ्वी शॉ जहां एक छोर से टिके हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। इसके बाद देखने को यह मिला कि ऋषभ पंत आए और इन्होंने 36 गेंदों पर 39 रनों की एक बेहद ही शानदार नॉट आउट पारी खेली। हालांकि ये पारी जरूर थोड़ा स्लो थी क्योंकि इस दौरान जो इनका स्ट्राइक रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 108 का था, लेकिन पृथ्वी शॉ एक साइड से टिके रहे और इन्होंने 34 गेंदों पर 61 रन जड़ दिए। अपनी पारी में पृथ्वी शॉ ने 9 चौकों के साथ साथ 2 छक्का भी लगाया और पृथ्वी शॉ फाइनली आउट हो गए। इसके बाद सरफराज खान आए थे और इन्होंने 28 गेंदों पर एक छोटी सी 36 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इन्होंने भी 3 चौके जड़े। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली कैपिटल की टीम है वो 149 रनों पर पहुंच पाई 3 विकेट के नुकसान पर। कल बता दें, रवि बिश्नोई ने बेहद ही शानदार ओवर डाला। 4 ओवर करा के इन्होंने 2 विकेट झटके, जबकि कृष्णप्पा गौतम को भी एक सफलता हाथ लगी। चलिए बात करते हैं कि अब किस तरह से 150 रनों के टारगेट का लखनऊ ने पीछा किया। तो जी हाँ, आपको बता दें, केएल राहुल ने कल बेहद ही शानदार शुरुआत दिलाई क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर। हालांकि केएल राहुल बेहद ही स्लो खेल रहे थे, इन्होंने 25 गेंदों पर 24 रनों की एक छोटी सी पारी खेली। जबकि क्विंटन डिकॉक ने भी कल बेहद ही शानदार पारी खेली और यही वो पारी थी जो कि लखनऊ को अंत तक मैच में बनाए रखे हुए थी। कल क्विंटन डिकॉक ने एक बेहद ही शानदार 80 रनों की पारी खेली और इसके लिए क्विंटन डिकॉक ने 52 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी में क्विंटन डिकॉक ने 9 चौकों के साथ साथ 2 छक्का भी जड़ा। जबकि कल एवन लुइस ज्यादा कुछ खास न कर सके, सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं दीपक हुड्डा, जिस पर सभी की उम्मीदें कायम थी, ये भी सिर्फ और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अंत में कुणाल पांड्या ने 14 गेंदों पर 19 रनों की एक छोटी सी पारी खेली। तो वहीं आयुष बदोनी ने एक बेहद ही शानदार सिर्फ 3 गेंदों पर 10 रनों की पारी खेली और इस तरह से आयुष बदोनी ने जीत का वो छक्का लगाया, जिसकी वजह से इनकी टीम बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को जीत गई। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि 20वें ओवर में अभी 2 गेंद बाकी ही थी तभी लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है और इस तरह से 6 विकेट से लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल हुई। अब केएल राहुल का बयान आया है और केएल राहुल का यह कहना है कि खिलाड़ियों ने बेहद ही खास परफॉर्मेंस की और इसी वजह से हम इस मुकाबले को जीत पाए हैं, वरना एक पल को ऐसा लग नहीं रहा था कि हम इस मुकाबले को जीत पाएंगे। तो केएल राहुल की टीम की यह बहुत बड़ी जीत है और इसमें आयुष बदोनी से लेकर क्विंटन डिकॉक तक जैसे खिलाड़ियों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा और खास करके रवि बिश्नोई, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल को ज्यादा बड़ा टारगेट बनाने ही नहीं दिया। तो आपको लखनऊ की यह जीत कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।